हाय टू फैमिली, तो वेलकम है आप सभी का रश्मि चौधरी के ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ तो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। सो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, थोड़ी सी लेट हुई है, वही हमेशा के टाइम पे जो होती है। बस मंडे के दिन ऐसा क्या हो गया था जो इतना थोड़ा जल्दी उठ गई थी। बाकी का वापस से वही सेम टाइमिंग है मेरा। और यहाँ पे मस्त बारिश हो रही है, मज़ा। सो बस गाइज, मेरी आंखें ना पता नहीं काली काली हो रही, कल मस्कारा लगाया था ना तो काली काली हो गई हूँ मैं, काली काली। सो बस गाइज, अभी जाते हैं, कुछ नाश्ते की तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर नहाते हैं और फिर वापस से वीडियो बनाते हैं। बस लाइट रहे आज, क्योंकि कल लाइट ने धोखा दे दिया था। 2 घंटे हम बिना लाइट के यहाँ पे बैठे रहे थे और इसी वजह से हमारा अच्छे से मतलब प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाई थी। बस आज रहे, नहीं तो मेरा पॉपट हो जाएगा। ऐसा लगता है ना, वहाँ से आओ यहाँ पे तो कम से कम आराम से 40-50 वीडियो लेके जाओ, ऐसा लगता है। नहीं तो जाओ ना 8-10 वीडियो लेके, लगता है दुख होता है बहुत। तो बस चलिए जाते हैं। डिंकी तो पता नहीं क्या कर रही है। अच्छा, ये लड़की लगी रहती है जब देखो ब्रश करने से लगी रहती है। इसको देख देख के मैं बोर हो गई हूँ। अभी तक दो बार सेकंड टाइम अभी ब्रश हो रहा है और रात तक सोने तक, भाई मैं बताए अगर मैं इसके साथ यहाँ पे रहूँ ना मैं पागल हो जाऊंगी। इसको देख देख के पता नहीं क्या दांतों में लगवा लिया है, मैं बोल बोल के थक गई हूँ। भाई ये निकल वाले इसको कितनी साल से, डिंकी 3 साल से बेचारी को धोखा दे दिया डॉक्टर ने, जिसने इसको लगाया था धोखा दे के लगा दिया। और बेचारी को 3 साल से बेचारी खाने के लिए भी परेशान हो रही है, दिन भर ब्रश करती रहती है। सेम दांत भाई, क्या पागल है लड़की। सो बस गाइस चलिए जाते हैं और नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो गाइस यहाँ पे बन रहा है क्या, बेसन का चीला जो हम रोज खाते हैं। रश्मि के हाथ के चीला और टिंकी के हाथ की चाय और साथ में ठंडा ठंडा। अब यही हो रहा है दूध गरम। यस, हमारा गिरा। मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है, दिखेगा नहीं की तरह होना चाहिए था, सबके घर दिखते हैं फिर। पैसा एक्स्ट्रा दो ओपन वाले भी विंडो ले भी रूम में ऐसा ही सीन है। हॉल वाले के लिए सही है, इधर वाले रूम के लिए सही है, मेरे वाले रूम के लिए सब ऐसे दिखाई देता है, मेरे को ऐसा बोरिंग लगता है। गाइस मेरे को मेन रोड पे घर लेना है, जल्दी से दिलवा दो, आप ही दिलवा सकते हो, मेरे को भी लेना। चलो भैया नाश्ता करके फटाक से नहाएंगे, नहा के सीधा वीडियो बनाएंगे, शाम को निकलना है हमारे को। बिंदी भी नहीं निकाली अभी तक, यहाँ पे हाथ पे लगी हुई थी ना तो मैंने ना फिर उसको रात को लगा लिया, आज काम आ जाएगी। अब डालो तुम, मैं दिखाऊं तुम्हारा चीरा डालने का तरीका। वो बेइज्जती हो जाएगी यार, क्योंकि ये वाले तवे में मेरे को आता नहीं है। गाइस ये नॉनस्टिक वाला तवा नहीं है ना तो मेरे को ना इतना आता नहीं, और ऑयल भी बहुत ज्यादा डालना पड़ रहा है। नहीं तो आपने देखा ही है कि मैं कितना सा ऑयल डालती हूं। देखते हैं मतलब ये थोड़ा बड़ा बड़ा बना रही हूँ, बहुत हल्का हल्का सा बनाती हूँ। बन गया, अच्छा बना, गोल गोल। चलो मेरी चाय उबल गई है, अब जा दूं बनाने। चाय पत्ती भाई ले। सो गाइस मुझे ना बहुत हंसी आ रही है, मैंने डिंकी से कपड़े मांगे पहनने के लिए, मैंने देखो येलो पहना हुआ है, ठीक है, टी शर्ट भी और ये भी येलो। हाँ। अभी इसने वापस से क्या दे दिया, येलो। येलो। मेरे वार्डरोब में येलो और ब्लैक ही मिलेंगे ज्यादा। मुझे कुछ फ्रेश वाला फील ही नहीं होगा। अरे कैसे नहीं फील होगा गाइस, देखो दोनों के डिजाइन में कितना अंतर है, पजामा भी अंतर अलग है, टॉप भी अलग है, दो कैसे बात कर रही है लड़की, आप ही लोग कमेंट करके बताओ क्या एक ही है ये। गजब बात कर दी भाई, ये अलग येलो, ये अलग येलो है, ये हल्दी येलो है, वो मस्टर्ड येलो, इतना ही येलो तो मैंने आज तक नहीं पहना। मेरे पास और येलो, चार मेरे पास चार नाइट ड्रेस और येलो दूं। साड़ी भी येलो दिए था। हाँ
हाँ अभी याद आया, जो मैंने कल ब्लॉग वीडियो में जो साड़ी पहनी वो भी येलो पहनी, फिर उसके बाद पहनाया तो भी वो भी येलो दे दिया, अभी आज फिर से पहन ली तो भी येलो दे दिया। क्या भैया तो क्या अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लगने से मतलब है। चलो हम जा रहे हैं। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और आज मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा है, खुद से प्यार हो रहा है। अभी मैं अपना लुक नहीं दिखा सकती, दिन की फ्री हो जाए उसके बाद उसको बोलूँगी वो मेरा पूरा वीडियो ले, ठीक है। मुझे ना हल्की हल्की साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और वैसे भी साड़ी तो मेरी फेवरेट होती है, मतलब अगर इंडियन कपड़े में बोलूँ तो उससे मेरी फेवरेट साड़ी है सूट सलवानी। सूट सलवा मेरे को लगता है यार मैंने क्या पहन लिया, और मैं संभाल भी नहीं पाती, और साड़ी में इतने अच्छे संभाल लेती हूँ ना, मतलब साड़ी पहन के मैं काम भी कर सकती हूँ, लेकिन सूट सलवार पहन के उसका दुपट्टा लेके मैं नहीं कर पाती हूँ। सो देखो गाइस हमारे पास थर्ड इंसान नहीं है, इसके लिए हम इससे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ओके अच्छा तो है तुम्हारे कैमरे पे छतरी वतरी सब आ रहा है। चलो ऐसे सही है, बाप रे पिन थोड़ा पीछे लग गया ना इसलिए सही से नहीं आ पा रहा है, वो क्या ना कि ये जिस मुंह पे लगा है। हां हां वो समझ गई मैं, थोड़ा तू लगा देना तो हटा रहा ही है। हां चल हम क्या कर रहे हैं ये हम भी ना करें। हां और ये मेरी भैया हम कितने अच्छे लग रहे हैं ऐसे, हम करें अपनी बाले में खोल के देखते हैं कैसे लगते हैं। तो भाई हमारा शूट हो गया है और आज जल्दी पैकअप कर लिया, मतलब पूरा वीडियो फिनिश कर लिया इसका भी और मेरा भी। हाँ 7 बजे हमारा पैकअप हो गया है, मतलब हम सोचो कितने बजे लगे थे, लगभग 3:30 बजे। हाँ 3:30 बजे तो आज मैंने फोटो शूट करवाया था अपना एक थोड़ा बहुत दो चार फोटो है, 4 बजे करीब हम लोग लगे थे, 3 घंटे में हमने दोनों की वीडियो को फिनिश कर दिया, और अब बस आए हैं क्योंकि हमने लंच नहीं किया, हम काम में इतना हो गए थे कि खाना भूल गए हम लोग। अब लगी बहुत ज़ोरों से भूख और दूध लेने आए हैं चाय अभी क्योंकि 9 बजे तक खुला होता है। नहीं भैया 9 बजे बंदी घिया लेना है इसको, और बोल रही है ज्यादा आगे आगे चल के थोड़ा और ऑप्शन बदल जाता हाँ नहीं तो। तो बस अभी चाय पियेंगे, एनर्जी पूरा डाउन हो गई है, फुल डाउन, बिल्कुल भी ताकत नहीं है कुछ भी करने की। और यहाँ का मैं रास्ते दिखा दी, रास्ते कितने ख़राब हो गए हैं, मैं आज से 3 महीने पहले आई थी यहाँ पे तो पूरे रास्ते अच्छे थे, एकदम प्लेन अच्छा बना हुआ था, और अभी मैं दिखाते भी क्या हाल हो रखा है यहाँ पे। ये देखो पूरे खुदे हुए रास्ते, यहाँ भी खुदा वहाँ भी खुदा वहाँ भी खुदा वहाँ भी खुदा, खुदा ही खुदा हर जगह, इधर भी खुदा ही खुदा। लेते हैं और सब्जी लेते हैं और फिर घर जाते हैं, चाय पियेंगे आराम से, चुस्की ले लेंगे। तो भाई हमारा हो गया है खाना रेडी, जो कि बनाया है घिया और ये कल की सब्जी फली वाली दाल और साथ में डिंकी, अच्छी बनी है। चलो गाइस बहुत भूख लग गई है क्योंकि लंच नहीं किया था हम लोगों ने, सो खाने के बाद मिलते हैं, बाय बाय। हो गया है और अब सोने की तैयारी है, लेकिन अभी तो नींद आ रही है, बट जैसे ही फ़ोन रखूँगी ना सोने के लिए नींद चली जाएगी, फिर जल्दी से नींद नहीं आने वाली क्योंकि 2 तो फिक्स है, कल भी कितना 3:30-4 बजे के आसपास सोए थे हम लोग, और सेम आज भी होने वाला है। सो अभी तो 11 बजे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आज टाइम से हम लोग फ्री हो गए खा पी के, और अभी बस डेंकी लगी हुई अपने एक दो कामों से। सो वैसे तो आज मैं जाने वाली थी घर पर, पर मैंने सोचा कि थोड़ा मतलब आज रुक के कल और एक आध वीडियो बना ले, उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगी कल शाम को टाइम से, और बस फिलहाल यही है गाइस।
अभी और क्या ही ज़्यादा बोलूँ, थकी हुई हूँ, नींद आ रही है। मैं बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ, आँखें ना ऐसी चढ़ी चढ़ी हो रखी है ना नशे से बहुत ज़्यादा। सो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।